हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज अपने इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे कक्षा 3 की हिंदी की सप्ताह 15 की वर्कशीट, और इसमें हम करेंगे टिप टिपवा कहानी के प्रश्नोत्तर। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यपत्र को हल करना। प्रश्न एक देखिए, वस्तुओं को उनकी आवाज़ से मिलाइए। यहाँ पर कुछ चीज़ों के चित्र दे रखे हैं और यहाँ पर उनकी आवाज़, आपको इनको इनकी सही आवाज़ से मिलाना है। जैसे इसकी आवाज़ भोंपू, इसकी आवाज़ होती है पौं पौं। ये ढोलक है, इसकी आवाज़ होती है ढम ढम। घड़ी, इसकी आवाज़ होती है टिक टिक। और ये है घंटी, जिसकी आवाज़ होती है टन टन। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को और पूरा करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पानी टपक रहा है, इसकी आवाज़ होती है टिप टिप। ये रेलगाड़ी जब चलती है तो इसकी आवाज़ होती है छुक छुक। आगे बढ़ें, प्रश्न दो देखिए, सही उत्तर पर निशान लगाइए। टिप टिपवा कौन था? बच्चों, इसका सही उत्तर है बारिश का पानी गिरने की आवाज़ को ही टिप टिपवा कहा गया था। दादी की भाषा से क्या लग रहा है? दादी कहाँ की रहने वाली हैं? दादी की भाषा से लग रहा है कि दादी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। प्रश्न 3 देखिए, बताइए किसने कहा, इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। यह कहा था बाघ ने। हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डर ता डर टिप टिपवा के डर। यह वाक्य दादी ने कहा था। मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने। यह वाक्य पंडित ने कहा था। महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा। यह बात धोबी ने कही थी। फिर देखिए, प्रश्न 4, दादी की भाषा में मिलान कीजिए। दादी की भाषा में शेर को कहते थे शेरवा, बाघ को कहा गया है बगवा, टिप टिप को कहा गया है टिप टिपवा, और बच्चा को कहा गया है बचवा। मिलान कर लिया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 में दिए गए चित्र में रंग भरिए। यहाँ पर एक बाघ का चित्र दिया गया है, बच्चों आप इसमें रंग भरेंगे। ये देखिए, मैंने इस बाग में रंग भर दिए हैं, कितना अच्छा लग रहा है ये बाग। आप भी इसमें ऐसे ही सुंदर रंग भरेंगे जिससे कि बाग बड़ा अच्छा लगने लगे। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है। हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी विषयों की वर्कशीट के आंसर्स मिल सकें।